अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी को बिजली का झटका लगता है तो अधिकतर केसेस में लोगों की मौत हो जाती है। क्या इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और जैसे ही हमें बिजली का झटका लगता है अंदर का पानी जल जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता और हमारे शरीर के अंगों तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और उसी वजह से हमारी मौत हो जाती है। ये था इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट। क्या इसके पहले तक ये साइंटिफिक फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देश में कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी। गाइस, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक फटी हुई धोती में ली थी और बाद में ऐसा पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सिर्फ दो ही धोती और सिर्फ दो ही कुर्ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा था कि अब आप नई धोती क्यों नहीं ले लेते, तो उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान ऐसी ही धोती पहनते हैं और मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। गाइज, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के सरल जीवन के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा।